शाहरुख खान वो स्टार्टिंग एट दैट टाइम वो दिल्ली से अजीज मिर्जा और दिविक पासवान उनको लेके आए थे राजू बन गया जेंटलमैन के लिए फर्स्ट पिक्चर उनकी वो शुरू हुई थी उनकी रिलीज अर्ली दिल आशना और दीवाना ये पिक्चरें हुई थी और फिर हमारी एक जोड़ी बन गई म्यूजिक की और एस आर के की जो मेरी लाइफ का पहला गाना बनाया मैंने था वो था बिन तेरे सनम तुम ही हमारी मंजिल माई लव तो ये दो गाने उस पिक्चर में रिलीज हुए और ये सडनली ये गाने लोगों को बहुत पसंद है तो उससे हमको खिलाड़ी मिल गई जो जीता में भी बहुत मेहनत की हमने तो जो जीता भी मिल गई तो फिर hmm. उसके बाद लुकिंग बैक yeah. जो भी सिंगरों ने हमारे साथ गाना गाया है मैं आपको ये बताऊँ उनके लाइफ के बेस्ट अवार्ड्स हमारे गानों में है दिस इज ललित पंडित हेलो दोस्तों नमस्कार बॉलीवुड हंगामा पर मैं हूं उर्मिन आपके साथ यू नो हमें से कई लोग बड़े प्राउडली कहते हैं दैट वी आर अटीड

वो अभी रीमिक्स हो रहे हैं hmm. वो सब रीमिक्स हो के आ रहे हैं और वो एक सेक्शन और एक पीरियड ऐसा था जब बहुत खूबसूरत म्यूजिक ओवरऑल ही आ रहा था जी। तो नेचुरली दैट मेक्स इट मेरी वेरी मेमोरेबल एंड स्पेशली फॉर द म्यूजिक दैट जतिन ललित हैव डन टुगेदर द सोसाइटी से दैट यू नो आफ्टर द आर डी बवन सेक्शन ऑफ म्यूजिक दैट इज गॉन इन टू अ कल्ट सेक्शन एज वी कॉल इट पीपल हियर इट एंड पीपल स्टिल रीमिक्स एंड एंजॉय इट It's the Jatin-Lalit brand of music that has gone into that section where people still hear, the newer generation still hears, and uh, you know enjoy the music. So uh, that was a blessed period. I agree, blessed. I agree. I uh, agree. How was it getting into music? Oh, that's a that requires a very long answer. <laughs> but uh, I've learned music since as a child, and I play all sorts of instruments and I do instrumentation myself. और म्यूज़िक में मेरी जर्नी जो रही है बहुत ही बहुत ही फुलफिलिंग रही है आई एम वेरी हैप्पी विद द वर्क दैट हैज हैपन बिफोर एंड द वर्क दैट हैव डन इन द प्रेजेंट इयर्स इट्स बीन अ ब्लिसफुल जर्नी एंड आई थैंक गॉड एंड एवरी डे ऑफ हाउ ब्यूटिफुल द लाइफ हैज बीन यू नो बहुत मज़ा आता है जब लोग आपको आपके म्यूज़िक से याद करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि वाह हमने एक जो इतनी बड़ी हमारी म्यूजिक uh, की इंडस्ट्री uh, रही है और इतने महान कंपोजर्स और महान सिंगर रहे हैं। उसमें एक छोटा सा हमारा भी एक कंट्रीब्यूशन है बहुत सोच के बड़ा काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन कॉन्ट्रीब्यूशन एक छोटा ही <laughs> उनमें घुसी जाना बहुत बड़ी बात है Correct. मुझे तो नाइनटीन नाइनटी टू में यारा दिलदारा कम्स एंड देन खिलाड़ी फिल्म आल्सो कम्स और इन दोनों फिल्म्स के बाद सडनली स्टारडम जतिन ललित कैसा था आपके लिए ये ये स्टार्डम एक्सेप्ट करना आ, महसूस करना जब हम हम लोग शुरू हो रहे थे मैं आपको बताऊँ तो मैं एक एक वक्त था जब मैं म्यूज़िक करना नहीं चाहता था क्योंकि मेरे दोनों बड़े भाई पहले म्यूज़िक में काम कर रहे थे मंदिर जतिन जी। और इनके साथ मैं रिदम बजाता था क्योंकि मैं सबसे छोटा हूँ घर पे हम सात बहन भाई हैं और जतिन और मेरे बीच में भी दो बहनें हैं नौ साल का डिफरेंस है हमें तो वो जब मेहनत कर रहे थे तब मैं देखता था कितना स्ट्रगल है इस लाइन में और बहुत मुश्किल से कोई छोटा मोटा प्रोड्यूसर आता था वो भी इवेंचुअली बात नहीं बनती थी तो मैं सोचता था यार मैं तो पढ़ रहा हूँ मैं इसमें नहीं जाऊँगा मैं कुछ भी करूँगा मगर ये म्यूज़िक के लाइन में नहीं चाहूँगा मगर क्योंकि हमारे ख़ानदान में म्यूज़िक है पिताजी बहुत बड़े हमारे गुरु थे मेरे गुरु थे जत्न के गुरु थे प्रताप नारायण जी चाचा जी बहुत बड़े गवैंह हैं थे पद्म विभूषण पंडित जसराज

के पहले तो जो गाने जो मेरी लाइफ का पहला गाना है बनाया मैंने था वो था बिन तेरे सनम wow. तुम ही हमारी मंजिल होम आई लव तो ये दो गाने उस पिक्चर में रिलीज हुए और ये सडनली ये गाने लोगों को बहुत <laughs> पसंद आए अ दे न्यू ने न्यू स्टाइल ऑफ म्यूजिक एंड अरेंजमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड मैं उन दिनों कॉलेज में ही पढ़ रहा था मगर वो गाने हिट हो जाने की वजह से काम आ गया खिलाड़ी हमको इसलिए मिली क्योंकि विनस हैड रिलीज यारा दिलदारा देवे <laughs> देर लुकिंग फॉर न्यू टैलेंट और हमारा म्यूजिक ये दो गाने बहुत हिट हो गए थे तो इससे हमको खिलाड़ी मिल गई जो जीता में भी बहुत मेहनत की हमने तो जो जीता भी मिल गई तो फिर hmm. उसके बाद देकिंग बिकॉज ये इंडस्ट्री ऐसी है ना देखिए कि अगर आप अच्छा काम करते रहो तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं काम अपने आप आपके पास आएगा और लकीली फॉर अस शाहरुख खान वो स्टार्टिंग एट दैट टाइम है वो दिल्ली से अजीज़ मिर्जा और विवेक उनको लेके आए hmm. थे राजू बन गया जेंटलमैन के लिए फर्स्ट पिक्चर उनकी वो शुरू हो रही थी उनकी रिलीज अर्ली दिल आशना और दीवाना hmm. ये पिक्चरें हुई थी मगर वो आए थे राजू बन गया जेंटलमैन के लिए और फिर हमारी एक जोड़ी बन गई म्यूजिक की और एस आर के की कभी यहाँ कबीना और राजू बन गया जेंटलमैन वो वंडरफुल ब्रिलियंट म्यूजिक आई थिंक और मजु साहब का साथ जुड़ गया बिन तेरे सनम से कभी हा, कभी हा, हा। तो एक जर्नी शुरू हो गई तो फिर जब काम सर पे पड़ा तो फिर आदमी डर के मारे भी काम करता है कि भैया आप काम नहीं अच्छा करेंगे तो यार लोग बहुत बुराई करेंगे Correct. उससे भी एक बहुत डर लगता था <laughs> तो बड़ी मेहनत करता था मैं और लकीली वो जो म्यूजिक में एक फ्रेशनेस थी वो, वो जैसे जो जीता का वही सिकंदर का म्यूजिक बना तो वो फ्यूचरिस्टिक म्यूजिक था उसका A song like like uh, I think an 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 album album, like is it's 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 not just an album, it's an emotion. Beautifully said. It's, it's everything put together. क्योंकि uh, हाल ही में मैंने जतिन hmm. जी का भी इंटरव्यू लिया एंड uh, जब मैं उनसे भी बात करी थी अबाउट दिस एल्बम एक गाने पर हम रुक नहीं सकते हैं मुझे लगता है देर इज एवरी इमोशन एंड देर इज अ सॉन्ग टू एवरी इमोशन चाहे वो पहले प्यार के लिए पहला hmm, नशा हो hmm. फिर uh, एक कॉलेज uh, भरा hmm, गाना hmm. नाम है मेरा फोन इज़ कर अगेन जस्ट सो क्लोज आपके लिए कितना स्पेशल रहा ये एल्बम एंड पहला नशा अगर छोड़कर hmm. कोई एक गाना जो आपके दिल के बहुत करीब है तो कौन सा है टाइटल गाना बहुत पसंद है hmm. यहाँ हम सिकंदर जवाह हो यारो मुझे बहुत पसंद है oh. और पहला It's the landmark composition in my life. You know, it's a it's a song which uh, I have never attempted again on that direction because I know I'll fall short. और अगर मैं शॉर्ट का आऊँगा उसमें तो लोग ज़रूर बोलेंगे कि यार वो बात नहीं आई तो कोई चीज़ आपने जो बनाई उसको बना के वहीं छोड़ देना चाहिए और बस उसका मजा लेना चाहिए इट्स एन हैपीट ऑफ

जिसमें कोई टेम्पो नहीं था और गाना है डिप से शुरू होता है और उसका पूरा जो म्यूज़िक पीसेस हैं जो कंपोजिशन तो है ही और फर्स्ट म्यूज़िक दी सेक्सोफोन इज़ आल्सो वेरी ब्यूटीफुल प्लेड बाय राज सिंह सोडा तो वो पूरा आस्ते 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 करके बनाया और आ, मुझे इतना वो जब बना ही था और जब आ, उसका स्क्रैच ही मैंने बनाया था तभी मुझे लगा था कि ये

जो मैं बजा रहा था उस टाइम वो मुझे ये पता पड़ गया था कि ये बहुत आइकॉनिक है इनफैक्ट अगर आप पिक्चर का बैकग्राउंड भी देखेंगे जी तो मैंने बैकग्राउंड भी इसी पैनो पीस से शुरू किया है बिकॉज उस टाइम तो पिक्चर रिलीज नहीं हुई थी ना गाना रिलीज हुआ था मगर मुझे ये पक्का पता था कि ये जब आएगा तो ये पीस बहुत बड़ा हिट हो जाएगा <laughs> तो उस पीस को इंट्रोड्यूस करने के लिए ये एक सेक्शन बनाया था जिससे यू सी इन द सॉन्ग वन थिंग इज लीडिंग इन टू अनदर और द मास्टर ऑफ

आप वो गाना सुनेंगे पहला नशा पहला खुमार तो उसमें पहली साइन में कुछ बजी hmm. बज ही नहीं रहा है सिर्फ एक इलेक्ट्रिक पियानो बज रहा है पीपल डोंट नोटिस ओनली इलेक्ट्रिक पियानो बेस एंड आई माई सेल्फ एट प्रोग्राम मशीन आर इट ओके सो उसमें उसी में मैंने स्क्रैच बनाया था और उसी मंसूर ने बोला जैसा बनाया है बस वैसे ही रिदम वापस कर दे आई विल तो है री प्रोग्राम दॉन्ग एग्जैक्टली लाइक द क्रैश आइटन एंड हाउ दिन ये मजूर साहब ने भी जब गाना सुना था विदर hmm. की ये गाना सदियों तक तो लोग याद रखेंगे और उतने बड़े आदमी का गाना गाना इनका एक्सपीरियंस ही मतलब बड़े बड़े लोग हम उनके फैन ही रहे हैं उनसे तो बहुत सीखने को मिला है hmm. तो उनका कहना ही ये बहुत बड़ी बात था बात थी कि ये, उनको ये गाना

कॉलेज के जो स्टूडेंट थे वो भी सब यंग थे इनफैक्ट शान भी था उस वक्त साथ तो एक माहौल ही ऐसा था कि तो मंसूर बोलते थे कि अरे यार तुम तो कॉलेज में ही पढ़ते हो इसको भी कपड़े पहना दो <laughs> तो हम लोग भी शूटिंग में घुस गए और हाँ। बस टाइम पास करने की जगह कोई काम करें अच्छा <laughs> तो मतलब वो फीलिंग नहीं थी कि हम लोग कोई कंपोजर हैं और उसमें नहीं हमको बैठना चाहिए एक मस्ती का माहौल था वहाँ और वो माहौल का ही बहुत मज़ा आता था क्या बात है एंड एक्चुअली इसीलिए ये फिल्म में इतना वो दोस्ती जो एनर्जी है राइट वाली एनर्जी yeah, वो दिखाई देती आ, है हाँ। आ, आपने एक बहुत बढ़िया चीज़ कही दैट शाहरुख खान के साथ ये जो आपका साथ रहा है

वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सॉन्ग्स एंड शाहरुख खान जतिन hmm. जतिन ललित जी जी ये कॉम्बिनेशन में जो गाने हैं। बने हैं hmm. वो आइकॉनिक रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल आइकॉनिक hmm. रहे हैं। और मुझे लगता है कि कभी कभी ओवर द पीरियड ऑफ यंड ईयर्स अ टीम गेट्स फॉर्म्ड जैसे कि आप देखिए uh, शंकर जयकिशन hmm. राज कपूर साहब मुकेश जी और शैलेंद्र हसरत जयपुरी hmm. ये एक साथ एक टीम शुरू हुई थी पिक्चर से और उसके बाद उन्होंने कितना ज़बरदस्त काम किया ये इसी इन्हीं लोगों ने अलग 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 अलग, अलग जनरेशन शाहरुख के साथ भी हमारे जो म्यूज़िक आया है वो उसमें हमेशा स्पेशल थॉट होती थी क्योंकि उसमें एस के होते थे ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इसमें हमको बेस्ट करना है नथिंग लेस देन बेस्ट और वो बेस्ट ही होता था हाँ। तो ये एक ज़िद थी कि उन, उनके साथ वो जब फिल्म में आएंगे तो क्योंकि बड़ा मज़ा आता था मुझे एस के जो गाना करते थे पिक्चराइजेशन अपने हाँ। पर ही यू टू 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 हैव सच डिफरेंट एनर्जी ऐड द सॉन्ग कि वो एक कॉम्बिनेशन uh, था जो हो जाता है इनफैक्ट मैंने एक इंटरव्यू में कहा था कि uh, जो एक्टर्स होते हैं वो बहुत लक्की होते हैं जिनको म्यूजिक बहुत अच्छा मिल जाता है वो लेजेंड बन जाते हैं इट्स द म्यूजिक दैट दैट द एक्टर इज़ सो ट्रू दैटर आप देखिए पुराने एक्टर्स राजेश खन्ना देव साहब दिलीप कुमार साहब इनको हम याद करते हैं तो इनके गाने हमको याद आते हैं जी ऐसा म्यूजिक की वजह से और अपने ऑफ कोर्स ही ग्रेट ग्रेट एक्टर मेनी पीपल आर वेरी बट ये म्यूजिक के लिए याद रहेंगे आई वांट टू अभिजीत गिव्स जतिन एंड ललित क्रेडिट फॉर हिज करियर यस वुड यू अग्री टू इट क्या कहना चाहेंगे आप बिल्कुल देखिए हमने जो एस आर के गाने बनाए हैं शाहरुख के उसमें अभिजीत ने बहुत गाने गाए हैं और फिर ऑफकोर्स उदित जी ने भी बहुत गाए हैं कुछ कुछ होता है डी डी एल द बिगेस्ट हिट्स ऑफ आर करियर उसमें उदित ने गाने गाए हैं और मगर जो भी सिंगरों ने हमारे साथ गाना गाया है मैं आपको ये बताऊं उनके लाइफ के बेस्ट अवार्ड्स हमारे गानों में हैं उदित नारायण अभिजीत कविता कृष्णमूर्ति अलका नहीं इनके जो क्योंकि हम लोग क्योंकि एक्चुअली सिंगिंग फैमिली से हैं दोनों गा, गाते हैं हम तो हमको एग्जैक्टली exactly पता है कि सिंगर को क्या जगह गवाना है और क्या करना है और वो सिंगर्स भी प्रिपेयर्ड आते थे ऐसा नहीं आते थे कि डायरेक्ट आ जाते सेट में और वो उस तरह से गाते थे जो हमको चाहिए होता था तो वो सिंगर्स को भी इस चीज का ऐसा था एहसास था कि हम गाएंगे तो हमको इसमें अवार्ड मिल सकता है क्योंकि वो पिक्चर ही भी ऐसी थी उस, उस लेवल की पिक्चराइजेशन होने वाली थी हमारा पूरा उसमें जोश होता था इनफैक्ट आई रिमेंबर अलका वॉर सिंगिंग द फर्स्ट सॉन्ग फॉर कुछ कुछ होता है तो मैं वो सिंगर कैबिन में गया मैं बोला देखो ये जो म्यूजिक है ये बहुत स्पेशल हमको करना है बिकॉज आई न्यू कि ये क्या करना है क्योंकि डी के बाद एस आर के और काजोल आ रही थी और रानी भी थी उसमें तो मैं बोला इसमें हम लोग शॉट मारने वाले हैं You also do your best. So she said, Yes, yes, we'll, we'll do that, definitely. So, lot of In fact, uh, she added so much to the voice that we did. And it was a lot of fun. It was a lot of fun. It was a lot of fun. And naturally, I think that we have to do it. The very fact that we are talking about this yes, absolutely. film, absolutely. Know?

जावेद साहब ने सारे गाने लिखे थे और बहुत ही एक खूबसूरत कॉम्बिनेशन शुरू हुआ था जावेद साहब के साथ भी हमने फिर बहुत अच्छा काम किया तो उनका लिखना और हमारी कॉम्पोजिशन अभी जी इतने गाने गए वो एक वो जो ख़ूबसूरत कॉम्बिनेशन है वो यस बॉस में बहुत नज़र आता है वो फिर

खुलती थी, थी वो जब गाता था तो ऐसा लगता था कि क्या मजा आ रहा है देख के भी मज़ा आता था और फिर एक ये सिलसिला शुरू हुआ कि शाहरुख की होम प्रोडक्शन शुरू हो रही थी फिर उसमें भी काम किया तो उसमें बहुत क्लोज इंटरेक्शन से काम हुआ बिकॉज ही वॉज द प्रोड्यूसर ही वॉज एक्टिंग तो मेहनत तो होती है देखिए लेकिन एक जो जोश और स्पिरिट एक है क्रिएशन का वो शाहरुख के साथ बहुत मजा आता था और बहुत अच्छे गाने हुए और ये अच्छी बात हुई कि वो गाने और वो वो पिक्चर पिक्चराइजेशन उनका जी वो एक अलग लेवल का ही चला गया था Absolutely. अभी मैं वैसा मुझे दिखता नहीं जैसा डीडीएलजे जैसी एल्बम या कुछ कुछ तो होता है जैसा पूरा दिख जाए या कभी खुशी कभी गम आप सुनिए क्या सॉन्ग्स हैं वो एक आ, वो लेवल का करने का करने एक एक अलग मज़ा है। बिल्कुल, बिल्कुल। सो यस बॉस, फिर भी दिल हिंदुस्तानी की की। बात इनमें से एक गाना जो आप परफॉर्म करना चाहेंगे ललित जी। मैं आपको जतिन का गाना दैट। yes. so, तो चांद तारे तो ए, ये जो गाना है अभिजीत को अवार्ड मिला था so, let's, let's, let's sure. मैं कोई ऐसा गीत गाऊं के यार जगाऊं अगर तुम कहो मैं कोई ऐसा गीत गाऊं के यार जगाऊं अगर तुम कहो तुम को बुलाऊं ये पल के बिछाऊं कदम तुम जहा जहाँ रखो जमी को आसमा बनाऊं सितारों से सजाऊँ अगर तुम कहो मैं कोई ऐसा गीत गाऊँ के यार जू अगर तुम कहो आ, हो, हो। आज तो मतलब तालियां जो है हमारे कैमरा की उस तरफ से बज रही है दैट ओनली मीन्स दैट वी आर ऑल एंजॉइंग योर म्यूजिक दीज कॉम्पोजिशन ये बढ़िया हाँ बातें <laughs> क्या कहे कैसा था हाउ वाज इट वर्किंग एज ब्रदर्स वेल इट वाज वी वेर ऑन हाई एंड दोनों को लगता था रिस्पांसिबिलिटी की जितना हो सके इसको अच्छा करना है जी। और uh, हर सिचुएशन में हम दोनों गाने बनाते थे अपना <laughs> अपना बनाता था, अच्छा। अपना बनाता था था okay. अच्छा अच्छा मैं एंड देन वी यूज्ड टू टू इट द प्रोड्यूसर कि जो लगे तो बस ये सिलसिला चलता रहता था और कभी हमारे में मुझे याद नहीं कि हमको कभी ऐसा लगता था कि ये बनाया तो ये गाना कर लें ऐसा नहीं लगता था जो गाना करेक्ट होता था हम दोनों यूनियन हो जाते थे कि नहीं नहीं करेक्ट है ये यही करेंगे हम और बड़ा मजा आता था नो वंडर दैट Uh, spirit uh, is seen in the song yes, when yes. we do so that is that is for me i feel that is very important that you know uh, uh, atmosphere of music remains uh, yeah. to work and the right energy uh, right is energy got yeah. music is a lot of energy that, uh, that happens Hi, this is Lalit Pandit and you're watching me on Bollywood Hangama.